कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है। हम ये पढ़े हयात ले के चलो, क्या नात ले के चलो, चलो तो संग संग चलो सारे जमाने को साथ। मोदी सरकार को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, देश के मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको लेना देना है तो बड़े बड़े कॉरपोरेटों से, बड़े बड़े लुटेरों से जो जनता का पैसा लूटते हैं और विदेशों में भाग लगता है कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। ऐसा ना हुआ है ना हो। किसानों मजदूरों के हितों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों मजदूरों के हितों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों मजदूरों के हितों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों मजदूरों के हितों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ादी। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आपको बताते चले कि पिछले 6 महीनों से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन किए हुए हैं। आज 6 महीना पूरा हो गया है जिसको लेकर किसान मोर्चा के तरफ से एक काला दिवस आज मनाया जा रहा है। इस काले दिवस का असर आपको पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। अभी हम मौजूद है पटना में और यहाँ पर भारतीय अखिल ट्रेड यूनियन की तरफ से किसानों का समर्थन किया गया है और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने भी आज काला दिवस मनाया है। तो हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, आखिर क्यों काला दिवस आज मनाया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का मजदूर आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। सच कहना है, आज आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? धरना पर हम लोग कुछ शौक से नहीं बैठे। आज किसान आंदोलन जो 6 महीना से चल रहे हैं, आज 6 महीना पूरा हो रहा है, उसी के समर्थन में, किसानों के मांगों के समर्थन में आज हम धरना पर बैठे हैं। और जो सरकार, जो नक्कारी सरकार है मोदी की सरकार, ये जनवरी तक बातचीत तो की, लेकिन जनवरी के बाद से ये बातचीत करना छोड़ दिए हैं। ये लड़ाई मेहनत कश मजदूरों की है, किसान की है, श्रमिकों की है, और ये खास करके देश को बेच रहे हैं। जितनी भी सरकारी संपत्तियां हों, बैंक हो, रेलवे हो, शिक्षा हो, सभी को ये बेच रहे हैं। मोदी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे, कोई प्रश्न करेंगे, तो बस देशद्रोही कहलाएंगे और देश जेल के अंदर में बंद करेंगे। लगता है कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। ऐसा ना हुआ है ना होगा, ऐसा ना हुआ है ना होगा। मोदी की सरकार वार्ता नहीं कर रही है। ये इनकी जो है, किसी कोरोना हुई, NRC जो हुआ उसमें जो धरना चली, तो इन्होंने कहा कि ये कोरोना जो फैल गया है वो जो मुस्लिम लोग आए हुए हैं उनकी वजह से हो गया है। आज जो क्या कुंभ का मेला है, कुंभ के मेला में जो हजारों लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और महामारी फैल रही है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इनको सिर्फ नज़र आता है हिंदू मुस्लिम, समझा, यही नज़र आता है। इसलिए ये आंदोलन का हम लोग जब तक चलते रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है। हम ये पढ़े हयात ले के चलो, क्या नात ले के चलो, चलो तो संग संग चलो सारे जमाने को साथ ले के चलो, इस भाषा को हम जानते हैं। इसलिए आने वाले दिन में
आपने जो जातीय संघर्ष की भावना है, मैं इस संघर्ष को, इस आंदोलन को वर्ग संघर्ष कहता हूँ। क्लासवार हो रहा है और ये वर्ग संघर्ष तब तक चलेगा जब तक ये किसी का तीन कानून, काले कानून जो लाए हैं, जब तक वापस नहीं होगा और तब तक वही संघर्ष चलेगा। और इस आंदोलन के लिए मोदी को ये चेतावनी दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोरोना है, ये है, ये तो बहाना इनकी है। वार्ता और लोगों से हो रही है, सभी चीज़ें जो भी फैसला ले रही है रात के अंधेरे में ले रही है, रात के अंधेरे में लेती है और सुबह लागू कर देती है। किसान अपने आंदोलन में है, जो तीन कृषि कानून है उसको रद्द कराने को लेकर के वो पिछले 6 महीने से लगातार जमे हुए हैं। उनके समर्थन में लगातार हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है लड़ाई जारी रखे हुआ है, और उनके समर्थन में हम आज जो है ये काला दिवस मना रहे हैं, धरना दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हिंदुस्तान के जो मजदूर वर्ग है उनके 44 श्रम कानून अपने लड़ करके तैयार किए थे, कानून बनवाए थे, उसको जो है 4 कानून में तब्दील कर दी गई है और उसके निरस्त करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। तीसरा, विद्युत अधिनियम 2020 जो पार्लियामेंट में जो है डर से पेश नहीं कर रहे हैं, जिस रोज़ पेश करेंगे पूरे देश के बिजली गुल रहेंगे, बिजली कर्मचारी हड़ताल में जाएंगे, उनको रद्द कराने को लेकर के हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ एनडीए की जो सरकार चल रही है वो 7 वर्ष पूरे को उत्साहित है और जश्न मना रहे हैं, और दूसरे तरफ जो 7 वर्षों के अंदर जो मजदूर वर्ग और किसानों के साथ जो खिलवाड़ की गई है केंद्र सरकार एनडीए के द्वारा, और उसका पर्दाफाश करने के लिए पूरे देशव्यापी हमारा यह काला दिवस मनाया जा रहा है और तमाम राज्यों में, तमाम जिलाओं में, तमाम अंचलों में हमारा यह धरना का कार्यक्रम चल रहा है। झंडोत्तोलन भी हम लोग काला झंडा से किए हैं और आगे भी लड़ाई हम जारी रखेंगे। मेरा नाम हुआ हरदेव ठाकुर, अखिल भारतीय ट्रिब्यून कांग्रेस बिहार इकाई के सचिव। आज आप लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? आज एक तरफ तो बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोग को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। आज का दिन महात्मा बुद्ध का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, और महात्मा बुद्ध हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं, और ऐसे में हम लोग को बैठना पड़ रहा है। वो मोदी सरकार की कारगुजारियों के कारण हम लोग बैठने को मजबूर हुए हैं। और जो किसानों का आंदोलन देश के अंदर में जो चल रहा है, लगातार 6 महीने हो गए, सैकड़ों किसानों ने जान दे दिया है, और इस कोरोना महामारी के वक्त में भी मोदी सरकार को यह नहीं सूझा कि यह हमारे कारण से बैठे हैं और इतना बड़ा महामारी फैला हुआ है, लाखों लोग मर रहे हैं, ये किसान पूरे देश की मांगों को लेकर के बैठे हैं। पूरे छोड़िए देश की बात को, अगर देश उनको समझ में नहीं आता है तो देश की बात को हम छोड़ भी दें तो किसानों की बात, किसान बैठे हैं, किसान लड़ रहे हैं, तो उन किसानों की मांगों को पूरा कर लें, कम से कम इस कोरोना फेज़ में, इस कोरोना महामारी के दौर में पूरा कर लें, तो यह भी उनको नहीं सूझा। तो अपने आप में यह जो किसानों का आंदोलन है वो मोदी सरकार के पूरे चरित्र को उजागर कर देता है कि मोदी सरकार को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, देश के मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको लेना देना है तो बड़े बड़े कॉरपोरेटों से, बड़े बड़े लुटेरों से, जो जनता का पैसा लूटते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं, उनको भगा देने का काम करते हैं, केवल उन लोगों से इनका लेना देना है। और इसलिए किसानों का आंदोलन आज भी जारी है, और उसी किसान आंदोलन ने आज पूरे देश में काला दिन मनाने के रूप में वो याद किया है, चूँकि 26 मई को ही सबसे पहले 2014 में उनकी ताजपोशी हुई थी ये मोदी जी की, और यही 26 मई से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा था और उस दिन से आंदोलन ये शुरू हुआ था। तो आज का दिन कि मोदी सरकार सत्ता पे काबिज हुए तो काला दिवस के रूप में मनाया जाए कि ये जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, ये पूरी तरह से जन विरोधी सरकार है, हर एक जनता के हित के खिलाफ में है। इसलिए काला दिवस को हम मनाएं, जनता को जागरूक करें, जनता को गोलबंद करें और जनता को आगाह होने के लिए चेतावनी दें कि इस सरकार के खिलाफ में लड़ना शुरू करो, सड़कों पर उतरना शुरू करो, बोलना शुरू करो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक लड़ोगे नहीं और इस सरकार को बदलने का, ऐसी सरकारों को मिट्टी में मिलाने का हम काम नहीं करेंगे, तब तक जनता का अब चैन नहीं है, देश का हित अब नहीं है। इसलिए
संघर्ष जरूरी है, लड़ाई जरूरी है, और उसी के तहत आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और सवाल केवल किसानों का ही नहीं है, किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी देखिए। मजदूरों के लिए इनके 42 कानून हुआ करते थे, 44 कानून, 44 कानूनों को उनको 4 कोड में बदल दिया गया, 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड में बदल दिया गया। और ये सब कार्रवाइयाँ उस समय होती हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ होता है। लॉकडाउन में कोई कुछ कर नहीं सकता है, सड़कों पे नहीं उतर सकता है, विरोध नहीं कर सकता है, हर कुछ बंद होता है। वैसे दौर में पूरे मजदूर हितों को दरकिनार करके, ख़त्म करके 4 कोड में बदल दिया गया, अपने आप में यह भी फासिस्टिक कार्रवाई थी। और यहाँ पर आज के दिन में देश के मजदूर और किसान एक हैं, और दोनों सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दोनों का है सवाल कि जो भी ये संशोधन और बदलाव हुए हैं इन कानूनों में, उन कानूनों को रद्द किया जाए और मजदूर किसानों के हितों के साथ में खिलवाड़ देश की जनता नहीं सहेगा, इसीलिए आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग तो अभी देशव्यापी धरना के कार्यक्रम में यहाँ पर AITC बिहार के लोग धरना दे रहे हैं। धरना किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? ये धरना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया है। जैसा कि हम तमाम साथी को मालूम है, आज मोदी कुशासन के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक दूसरा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके भी शुरुआत के 6 महीने हो चुके हैं। इन दो अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किसानों का जो आंदोलन है इसमें उनके ख़िलाफ़ 3 काले कानून को पार्लियामेंट से पारित किया गया है। उस कानून के लागू हो जाने के बाद से भारत के तमाम किसान कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े पूंजीपतियों के एक आधुनिक गुलाम के रूप में हो जाएंगे, और वो किसान नहीं रह जाएंगे बल्कि उनकी तमाम खेती का काम बड़े धनाट व्यापारी लोगों के हाथ में चला जाएगा। और किसानों देश के जो अन्नदाता हैं, देश को जो खिलाने वाले हैं, उन तमाम लोगों का बुरा हाल होगा। एक मामला यह है। दूसरा मामला है कि जो 4 मज़दूरों के 4 श्रम संहिताएँ हैं भी लॉकडाउन के अवधि में लाया गया है, उसको निरस्त किया जाए, उसको वापस किया जाए। उसमें जो मजदूर विरोधी संशोधन है, कॉरपोरेट के पक्ष में संशोधन है, उस तमाम संशोधनों को वापस लिया जाए। ये एक दूसरी मांग है। तीसरी मांग है इस आंदोलन का कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण पर रोक लगाई जाए। ये नीति देश के गरीब लोगों के लिए, मजदूर वर्ग लोगों के लिए और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को लिए नुकसान पहुंचाने वाली नीति है। इसी के साथ साथ भारतीय संपदा जो है, राष्ट्रीय संपदा है, इसको कौड़ी के भाव में विदेशी कंपनियों के हाथ में निवेश के नाम पर और व्यापार को सरल बनाने के नाम पर ये किया जा रहा है व्यवसाय को। ये भी देश की संपदा को बाहरी लोगों के हाथ में बेचने का काम किया जा रहा है। ये भी एक आज का मुद्दा है। इन्हीं तमाम और भी मुद्दे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना संयुक्त रूप से केंद्रीय श्रमिक संगठनों के लोग, हम लोग देने का ऐलान किया था कि लॉकडाउन हट जाने के बाद हम लोग स्टेशन पर जमा होंगे, रेलवे स्टेशन के समक्ष, और बुद्धा स्मृति पार्क में बड़ी आम सभा करेंगे। मगर लॉकडाउन बिहार सरकार ने बढ़ा दिया और इस बढ़ाने के बाद हम लोग उस कार्यक्रम को स्थगित करके अलग अलग अपने कार्यालयों में, कार्यस्थलों पर और दूसरी जगहों पर इसका आयोजन किया है। राज्य के तमाम मजदूरों से हम लोगों ने पूर्व में अपील किया है कि वो अपने कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगा करके, काला झंडा लगा करके इस काम को करें। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, राज्य के बहुत सारे ज़िलों में
इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और शाम तक विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ये हम समझते हैं कि आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन का कार्यक्रम चलेगा और मोदी कुशासन के खिलाफ हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गजनफर नवाब, AITC बिहार के उप